फ्लिपकार्ट के बीबीडी सेल में इस वाले स्मार्टफोन पे काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा था। तो अंडर 20K में हमें मोटरोला एस 50 फ्यूजन मिल रहा था कार्ड डिस्काउंट के बाद, तो हमने इसे ऑर्डर कर लिया। एंड यहाँ पे हमारे पास बॉक्स आ चुका है। एंड भाई एक बार पहले ही ओपन कर लिया था, एंड भाई पूरा मतलब वीडियो रिकॉर्ड तो हो गया बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इस वजह से फिर से एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि बॉक्स में हमें कैसे डिलीवर्ड हुआ था प्रोडक्ट। सब कुछ वैसे ही रख दिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग है, कुछ इस तरह का बॉक्स में हमें मिला था। एंड यहाँ पे हर जगह प्रायोरिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब फास्ट डिलीवरी हमें मिल गई थी एंड काफी टाइम पे डिलीवर कर दिया था, मतलब अगले ही दिन हमें मिल गया था। बाकी यहाँ पे आप देखो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। एंड यहाँ पे हमारा जो स्मार्टफोन है वो रहा ये, तो मोटोरोला एज 50 फ्यूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, मोटोरोला की ब्रांडिंग है, हेलो मोटो। एंड यहाँ पे कुछ डिटेल मेंशन है। बाकी ये जो स्मार्टफोन है ना, इसमें यहाँ पे मेंशन है 25,999 रुपए में, एंड सेल में यह 21,000 का मिल रहा था एंड कार्ड डिस्काउंट के बाद और भी ज़्यादा सस्ता, यानी कि 20,000 के आसपास। बाकी प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग। एंड भाई इसको तो ओपन कर ही रखा है हमने, तो एक बार फिर से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वार्निंग भी दिया गया है। तो यूवी जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, जैसे कि ये कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है, तो यहाँ पे आपको वो भी सावधानी रखना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखो बॉक्स में हमें चार्जर भी मिल जाता है, जो कि मोटोरोला की ब्रांडिंग अगेन। एंड यहाँ पे 68 वॉट का चार्जर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे क्या है कि टाइप सी टू टाइप सी यहाँ पे हमें चार्जिंग केबल भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ओरिजिनल चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। इसको भी रखते हैं हम फिलहाल के लिए साइड में। एंड इस वाले बॉक्स में यहाँ पे हमें कुछ और भी चीज़ें दी गई है, जो कि इसको ओपन करते हैं। तो बॉक्स में यहाँ पे देखो भाई प्लास्टिक फ्री वही पैकेजिंग यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है इन्होंने। एंड यहाँ पे भाई इसका केस भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो केस के साथ यहाँ पे आप देखो सिम इजेक्ट पिन भी हमें मिलता है, जिससे हम सिम हम लगाएंगे इसके अंदर। एंड ये कुछ यूज़र मैनुअल्स, ये कुछ यहाँ पे वो मिला है प्रोटेक्शन, जो कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि अगर आप यूवी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रहे हो तो कैसे भाई इससे पहले प्रोटेक्ट कर लो, उसके बाद आपको लगाना है वरना डिस्प्ले चला जाएगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में, ये भी रख लेते हैं क्योंकि बाद में काम आएगा। एंड ये कुछ ऐसा हमें केस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमने जो फ़ोन मंगाया ना, ये आप देखो ये जो फ़ोन है थोड़ा थोड़ा ब्लू टोन में है ना, तो वैसा ही केस भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसा फ़ोन का कलर होगा उस तरह का केस आपको भी यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे कोई भी डेंट या फिर कोई स्क्रैचेस नहीं है, फ़ोन एकदम न्यू है। एंड यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो फ़ोन तो हमने ऑन कर लिया है, बट इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं आपके साथ इसका पूरा रिव्यू शेयर करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ इसको यूज करने। 5 minutes later ये स्मार्टफोन यार काफी ज्यादा लाइट वेट है और काफी ज्यादा स्लिम भी है। बाकी इसके अंदर बैटरी आपको 5000 mAh की देखने के लिए मिल जाती है। कि बैक साइड में वीगन लेदर का सपोर्ट है, भाई देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। साइड में जो फ्रेम है वो पॉली कार्बोनेट फ्रेम है, फिनिशिंग काफी अच्छी दे रखी है, डुअल सिम का सपोर्ट है। ये वाला स्मार्टफोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, तो मस्त आप बारिश में भीगते वक्त भी इसे यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वाले स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। एंड हैप्टिक फीडबैक जो है ना वो यहाँ पे बढ़िया तो नहीं बोलूंगा बट मीडियोकर है। बाकी 15 5G बैंड्स, 4G+, 5G+ कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 के साथ आता है। इवन यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले कर्व मिलता है 6.7 inches का फुल HD+, 144Hz POLED डिस्प्ले मिलता है। बाकी फ्लिकर प्रिवेंशन का भी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो गोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। नो डाउट इसका जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है काफी ज्यादा है, यहाँ पे आपको 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। 10 बिट का ये डिस्प्ले है। एंड प्रोसेसर आपको इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिलेगा। बाकी LPDDR4X रैम मिलेगा UFS 2.2 स्टोरेज के साथ। हमने जो वेरियंट मंगाया है वो 8 128GB वाला वेरियंट है। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। मोटरोला का इसमें हेलो UI
भाई मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या लगता है, मोटरोला के फोन में हमें कोई भी ब्लॉटवेयर या फिर फालतू के एप्लीकेशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इवन यहाँ पे कोई भी एड वगैरह भी फालतू यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस वाले फोन को मिलेगा 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स। कैमरा यहाँ पे 50 MP का मेन कैमरा मिलेगा जो कि OIS के साथ आता है एंड सोनी सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है। 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड 32 MP का यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो पिक्चर क्वालिटी है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओवरऑल इस फोन में मुझे यहाँ पे कैमरा काफी ज्यादा सही लगा एंड यहाँ पे जो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा सही लगता है इसके कर्व डिस्प्ले की वजह से। बाकी ये फोन ओवरऑल बेस्ट है एंड काफी ज्यादा स्लिम लाइट वेट है एंड काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगता है। बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप बताओ इसके ऊपर आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना।